नमस्कार, मैं हूँ शीतल मीना, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर राजस्थान। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि सूर्य द्वारा जो किरणें हमारी पृथ्वी पर गिरती है उसको यूटिलाइज़ करना, उस एनर्जी को प्रोडक्शन ऑफ हीट के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हम यूटिलाइज़ करते हैं वो हमारी सोलर एनर्जी कहलाती है। टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो अर्थ पर गिरती है उसको हम कई चीज़ों में इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो है हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट, पावर जनरेशन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिनकी जो स्टोरेज है, जिनका जो स्रोत है वो आज लगभग कम होता जा रहा है, तो उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जिसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास हमेशा रहेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा के बारे में आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो सन की जो एनर्जी है, सन के जो रेडिएशंस हैं, किरणें हैं जो धरती पर गिरती है उसमें से जो 54% किरणें जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, क्लाउड्स की वजह से बीच रास्ते में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य की किरणें जो पहुंचती हैं वो लगभग 50% ही होती है, जिसमें 45% इंफ्रारेड रेडिएशंस रहते हैं और स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रहते हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में। सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें बेसिकली ज़रूरत पड़ती है सोलर एनर्जी कलेक्टर्स की। तो सोलर एनर्जी थर्मल कलेक्टर का जो फंक्शन है वो है बेसिकली इट कलेक्ट्स हीट बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट। तो कलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कैप्चर करता है सोलर रेडिएशंस को। सोलर रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती है, फ्रॉम द इंफ्रारेड जो कि लॉन्ग वेव्स हैं, टू द अल्ट्रावायलेट यानी कि जो शॉर्ट वेवलेंथ्स हैं। सोलर एनर्जी डिवाइस के अंदर सोलर रेडिएशंस को कलेक्ट करने के साथ साथ उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम किसी भी माध्यम में, किसी भी फ्लूइड में, जैसे कि एयर, वाटर या ऑयल, थ्रू द कलेक्टर के थ्रू। टू यूटिलाइज द सोलर एनर्जी वी नीड सोलर एनर्जी कलेक्टर्स। तो ये है इसका बेसिक फंक्शन। तो सोलर एनर्जी कलेक्टर्स जो है वो क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं टू द सर्कुलेटिंग फ्लूइड, आइदर डायरेक्टली टू द हॉट वाटर या फिर और स्पेस कंडीशनिंग इक्विपमेंट और टू द थर्मल एनर्जी स्टोरेज टैंक में आप उसको कलेक्ट करके रख सकते हो फॉर द यूजफुल वर्क। क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर एनर्जी कलेक्टर्स में हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के सोलर एनर्जी कलेक्टर्स होते हैं, नॉन कंसनट्रेटिंग जिसको फ्लैट टाइप कलेक्टर्स कहते हैं और कॉन्सनट्रेटिंग टाइप। नॉन कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स जो है इसमें जो अपर्चर एरिया यानी कि एरिया जहाँ पर सोलर रेडिएशन हम रिसीव कर रहे हैं वो एब्जॉर्बर एरिया के लगभग बराबर होता है, तो देर इज़ नो एक्स्ट्रा पार्ट एक्सेप्ट द कलेक्टर। जबकि कॉन्सनट्रेटिंग कलेक्टर्स में क्या होता है कि जो एरिया जिसमें हम सोलर रेडिएशन रिसीव कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा रहता है एब्जॉर्बर एरिया, तो एब्जॉर्बर एरिया छोटा रहता है। तो इसके लिए इट ओनली हार्वेस्ट द डायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ सनलाइट। तो जो कि नॉन कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स जो है उसका जो इस्तेमाल है वो बेसिकली रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग फॉर स्पेस हीटिंग वाइल के लिए किया जाता है, और जो कंसनट्रेटिंग कलेक्टर्स जो है उसका इस्तेमाल हम सोलर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कर सकते हैं बाय हीटिंग द हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड, जो कि हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड है हमारा, जैसे जो भी एयर, वाटर, ऑयल कुछ भी हो सकता है, टू ड्राइव अ टर्बाइन कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इस तरीके से हम सोलर पावर प्लांट में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो कलेक्टर्स होंगे वो है कॉन्सनट्रेटिंग टाइप, और नॉन कॉन्सनट्रेटिंग टाइप का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली कमर्शियल एरियाज़ में हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सनट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स। कॉन्सनट्रेटिंग सोलर पावर जो सिस्टम होता है वो बेसिकली यूज़ करता है लेंसेज को या मिरर्स को टू फोकस द सनलाइट इनटू अ शार्प बीम विद द हेल्प ऑफ कॉन्सनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स। तो एक पॉइंट पे फोकस करना, एक जगह पर उसको सनलाइट को फोकस करता है, तो दिस पावरफुल जो बीम है इट इज़ नेक्स्ट फोकस्ड ऑन द स्मॉल रिसीवर, और फिर वो एक रिसीवर पे फोकस किए जाती है टू हीट द फ्लूइड। तो हमारा जो भी फ्लूइड है उसको हाई टेम्परेचर पर ले जाने के लिए उस रिसीवर में बीम को फोकस किया जाता है। तो हॉट फ्लूइड इज़ देन, तो जो हॉट फ्लूइड है उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट स्टीम जनरेट करने के लिए, जिससे कि हमारा स्टीम टर्बाइन चलेगा और उससे जो कपल्ड है, उससे जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पावर जनरेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ आप कॉन्सनट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स देख सकते हैं, जैसे कि पैराबॉलिक ट्रफ कलेक्टर, पावर ट्रावर और रिसीवर, पैराबॉलिक डिश कलेक्टर, फ्रेंसल लेंस कलेक्टर। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं।
सबसे पहला इसमें जो है वो है लाइन फोकस कलेक्टर्स। लाइन फोकस कलेक्टर्स को हम पैराबोलिक ट्रफ्स भी कहते हैं। ये बेसिकली यूज़ करता है, इट यूज़ हाई रिफ्लेक्टिव मटेरियल टू कलेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट द हीट एनर्जी। तो हाई रिफ्लेक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे हम सोलर रेडिएशन को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। दीज कलेक्टर्स आर कंपोज ऑफ पैराबॉलिकली शेप्ड रिफ्लेक्टिव सेक्शंस, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं पैराबॉलिक शेप की ये रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज होते हैं। कनेक्टेड टू द लॉन्ग ट्रफ अ पाइप, एक पाइप से कनेक्टेड रहते हैं। कैरीज द वाटर इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ दिस ट्रफ, तो जो वाटर कैरिंग पाइप है वो सेंटर में रहता है इन ट्रफ्स के, सो दैट द सनलाइट कलेक्टेड बाय द, तो जो भी सनलाइट रिफ्लेक्टिव मटेरियल के थ्रू कलेक्ट होगी वो बाद में इस इन पाइप से गुजरते हुए पानी को क्या कर सकती है, गर्म कर सकती है। तो दीज आर वेरी हाई पावर कलेक्टर्स जो हैं, तो जनरली यूज टू जनरेट स्टीम। तो स्टीम जनरेट करने के लिए सोलर थर्मल पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीज ट्रफ्स कैन बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन जनरेटिंग हीट फ्रॉम द सन, पर्टिकुलरली दोज दैट कैन पिवट ट्रैकिंग द सन इन द स्काई टू एंश्योर द मैक्सिमम सनलाइट कलेक्शन के दौरान यहाँ पर पावर जनरेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो दूसरा है वो जो कि कहलाता है पॉइंट फोकस कलेक्टर। पॉइंट फोकस कलेक्टर्स को हम पैराबॉलिक डिशेस के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज़ कम्पोज ऑफ सम रिफ्लेक्टिव मटेरियल जो है दैट फोकस द सन एनर्जी को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करेगा। जैसे लाइन फोकस में हम रिफ्लेक्टर्स सरफेसेस पे, पूरे सरफेस पे एक लाइन की तरह सनलाइट को कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर एक पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। तो हीट फ्रॉम दीज कलेक्टर्स इज जनरली यूज टू ड्राइव स्टर्लिंग इंजन्स, जैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल दो वेरी इफेक्टिव एट कलेक्टिंग सनलाइट, दे मस्ट एक्टिवली ट्रैक द सन अक्रॉस द स्काई टू बी ऑफ एनी वैल्यू, मीन्स थोड़ी मिनिमम वैल्यू से लेकिन हाई सनलाइट वैल्यू को भी ये यूज़ कर सकते हैं। दीज डिशेज कैन वर्क अलोन और कम्बाइंड टू एनी अरे टूगेदर, और वन बाय मतलब कनेक्ट साथ में कनेक्ट होकर ज़्यादा एनर्जी भी ये फोकस कर सकते हैं। पॉइंट फोकस कलेक्टर्स जो है एंड सिमिलर एपरेटिस कैन ऑल्सो भी यूटिलाइज टू कॉन्सेंट्रेट सोलर एनर्जी विथ फोटोवोल्टेक सेल्स के साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस केस इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, सन की एनर्जी जो है हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में विथ हाई एफिशिएंसी ऑफ फोटोवोल्टेक सेल्स, जो कि डिज़ाइन की गई है स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सोलर एनर्जी को। द नेक्स्ट आप देख सकते हैं पावर टावर रिसीवर, यानी पावर प्लांट में किस तरीके से सोलर एनर्जी को रिसीव किया जाता है। तो सोलर जो सनलाइट है, तो दिस कलेक्टर द रिसीवर इज लोकेटेड, रिसीवर सबसे टॉप पर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली मूविंग फ्लैट मिरर्स हैं नीचे की तरफ स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया टू फोकस द रेडिएशंस ऑन द रिसीवर। तो ये जो मिरर्स हैं ये रेडिएशंस को रिसीवर पर फोकस करेंगे, जिसको हम फ्लैट मिरर्स को हम हेलियोस्टैट भी कहते हैं। तो ये जो ये हम मूव कर सकते हैं दो डायरेक्शन में। द सोलर रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हेलियोस्टैट, तो जो सोलर रेडिएशंस इन हेलियोस्टैट से रिफ्लेक्ट होगी वो रिसीवर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो रिसीवर है वो एक टावर पे लगा हुआ है 500 मीटर की हाइट पर। द टावर सपोर्ट्स अ बंडल ऑफ वर्टिकल ट्यूब्स कंटेनिंग द वर्किंग फ्लूइड, तो वर्किंग फ्लूइड इन द एब्जॉर्बर रिसीवर इज़ कन्वर्टेड इनटू हाई टेम्परेचर में आप 600 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट कर सकते हैं। और इस तरीके से स्टीम कन्वर्जन होने के बाद स्टीम को आप टरबाइन के थ्रू टरबाइन पर फ्लो कर सकते हैं, और टरबाइन जो कनेक्टेड होता है जनरेटर से, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंसल लेंस कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर में आप देख सकते हैं कि इस कलेक्टर में इट कंसिस्ट ऑफ फाइन लीनियर ग्रूव्स ऑन द सरफेस, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल है इट इज़ ऑफ ऑप्टिकल क्वालिटी ऑन वन साइड, और दूसरी तरफ से ये फ्लैट है। तो एंगल ऑफ ईच ग्रूव इज़ सो डिज़ाइन दैट द ऑप्टिकल बिहेवियर ऑफ द फ्रेंसल लेंस इज सिमिलर टू द कॉमन लेंस, तो एक लेंस की तरह काम करता है ये। सोलर रेडिएशन जो इसके ऊपर गिरती है, जो सनलाइट इसके ऊपर गिरती है, दे आर रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस, लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होके और एक लाइन पे ये फोकस कर देती है। तो जहाँ पर एब्जॉर्बर ट्यूब या रिसीवर लगा होता है जो कि इन सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये था हमारा कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स। जो नेक्स्ट है वो हमारे हैं नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स, जो कि फ्लैट टाइप फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स भी कहलाते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स जो है, तो बेसिकली इसमें जो है व्हेन द टेम्परेचर बिलो 90 डिग्री सेल्सियस है इज एडिक्वेट फॉर रूम हीटिंग और वाटर हीटिंग, बेसिकली कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि इट इज़ मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैनल की तरह रहता है ये, 1.7 से 2.9 मीटर स्क्वायर एरिया का, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट और डिफ्यूज्ड दोनों तरह की सोलर रेडिएशंस को। दे आर ऑल्सो इफेक्टिव ऑन क्लाउडी डेज ऑल्सो। तो इसमें क्या होता है कि ब्लैक एंड शीट ऑफ मेटल यूज़ कर सकते ब्लैक शीट यूज़ करते हैं जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी।
तो इस मेटल शीट को जो हम करते हैं, इट इज़ पेंटेड इन ब्लैक, जो कि ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगी. हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से जो हीट अब्जॉर्ब करेंगे वो हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे फ्लूइड, जो भी हम फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, जैसे एयर या वाटर. तो ये जो मेटल शीट है वो एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगी. एब्जॉर्प्शन प्लेट शुड बी इन गुड थर्मल, तो जो प्लेट है ये गुड कॉन्टैक्ट में रहनी चाहिए ट्यूब्स, जिसमें कि वाटर या जो कि हमारा दूसरा फ्लूइड है. तो थर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्यूब और प्लेट के बीच में तो थर्मल कॉन्टैक्ट रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ये हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. तो बॉन्डिंग कैन बी डन बाय, तो थर्मल जो प्लेट है, प्लेट्स है और जो ये वाटर ट्यूब्स हैं, दोनों को हम सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ के रख सकते हैं. आप फिगर में देख सकते हो सोलर प्लेट कलेक्टर की एक असेंबली दिखाई गई है. तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है. तो हीट रिसीव्ड इज ट्रांसफ़र कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली फ्लूड को हीट ट्रांसफ़र की जाती है. तो फ्लूड क्या हो जाता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर में क्या होता है, कंडक्शन और कन्वेक्शन लॉसेस भी हो सकते हैं. तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसे बॉक्स में, क्लोज्ड इंसुलेटेड बॉक्स में हम इसको रखेंगे. इट्स टॉप इज़ कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट ग्लास, के थ्रू इसका टॉप कवर कर देंगे. तो कलेक्टर बॉक्स जो है इट सपोर्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड वेदर प्रोटेक्शन. तो इसका व्यू देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो है ग्लास है, उसके बीच में ब्लैक एंड प्लेट है और उसके नीचे गैल्वेनाइज्ड शीट लगा रखी है. तो वन बाय वन हम देख सकते हैं इसके प्रोसेस को. तो जो ग्लास शीट थी जो टॉप पे, इट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंस थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग द लॉन्ग वेवलेंस नहीं लेते हैं इसमें. फ्लैट प्लेट कलेक्टर इट इज़ यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, वाटर हीटिंग, रूम हीटिंग, ग्रेन ड्राइंग. तो इस तरीके से कन्वेंशनल सोलर सिस्टम इन्वॉल्व सोलर कलेक्टर्स एंड सेपरेट थर्मल स्टोरेज भी हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं. तो एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड कलेक्टर से, एनर्जी जो है हमारी सोलर एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट करके और हम उसको एक स्टोरेज टैंक में भी यूटिलाइज़ करने के लिए रख सकते हैं. तो फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ रेगुलेटेड बाय द सिस्टम्स, तो फ्लो ऑफ एनर्जी भी हम रेगुलेट करके रखेंगे. दे आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग पंप्स है, ब्लोअर्स है, वो साथ में जुड़े हुए होंगे. तो हीट ट्रांसफ़र जो होगा आप कलेक्टर प्लेट से वो किस स्टोरेज यूनिट में हम भेज सकते हैं. एंड दिस इज़ अचीव्ड बाय नेचुरल कन्वेक्शन एंड थर्मोसाइफन मेथड्स के थ्रू हम इसको कर सकते हैं. इट मे अकम्प्लिश्ड बाय द फोर्स्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड यूजिंग इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप के थ्रू भी हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो आप देखेंगे थर्मो, दिस इज़ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, दो तरीके के हो सकते हैं. डायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हैं हम स्टोरेज टैंक की, या फिर इनडायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. और दूसरी चीज़ ये कि जो हम दो तरीके के अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो फिगर ए में आपको दिख रहा है कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर इट इज़ यूटिलाइजिंग सोलर रेडिएशन फॉर हीटिंग वाटर या लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब्स, ट्यूब्स के थ्रू फ्लो कर रहा है. तो ट्यूब्स क्या है, मेटल प्लेट से अटैच की गई है ब्रेज्ड के, सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के थ्रू. और पॉइंट बी में आप देख सकते हो कि इट शोज़ द कलेक्टर फॉर हीटिंग द एयर, एयर पास अगर हो रही है तो एयर को भी आप हीट करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो. तो इस तरीके से फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स जो हैं बेसिकली जो कि कहलाते हैं नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स, वो इस्तेमाल किए जाते हैं कॉमर्शियल डोमेस्टिक पर्पस के लिए. और जो कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स हैं उनका बेसिकली यूज़ जो आता है पावर प्लांट में, पावर जनरेशन के लिए यूज़ में आता है. तो इस तरीके से आज हमने सोलर पावर कनेक्टर देखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. थैंक यू वेरी मच.